आपने देखा होगा सरकार ने हर वर्ग को छूने का काम किया, इतना ऐतिहासिक बजट राजस्थान का जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं, भाजपा की तरह हमने संपत्ति गिरवी रख के बेचने का कार्य नहीं किया, राजस्थान सरकार ने संपत्ति को बचाने और उससे होने वाले अर्निंग से चाहे कर्मचारियों को दिया, चाहे किसान को, व्यापारी को, बेरोजगार को, हर तबके को छूने का कार्य किया, क्योंकि ये वो बजट है जो राजस्थान के आने वाला भविष्य तय करेगा कि किस तरह से आम जनता को खुशहाली की लहर है, जो हर वर्ग आज भाजपा के पास भी कहने का वो शब्द नहीं है, और ये लगा कि यहाँ के स्थानीय MLA ने भी विधानसभा में बोलते हैं लेकिन उन्होंने भी तारीफ की तो कटारिया जी ने भी तारीफ की होती है, निश्चित मान के चलना, और अपने सम्मानीय जो सतीश पूनिया जी भी राजस्थान रतन सॉरी राजगढ़ के हैं, जब ये लोग वहाँ बोलने को उनको स्थान नहीं है तो इसका मतलब राजस्थान का बजट एक ऐतिहासिक बजट है जिनका हर वर्ग स्वागत कर रहा है। काम शायद अगर आप देखोगे तो टीचरों की जो रिक्रूटमेंट की बात की गई हो, जो पेंशन व्यवस्था की बात की गई हो, चाहे आप माइनॉरिटीज की बात की हो, जो किसान को अलग से बजट किया गया हो, आप कलेक्टेड में या किसी से देखेंगे उनके पास चिट्ठियाँ आनी शुरू हो गई है। और ये बजट जैसे दूसरे एक दिन बजट पेश किया गया उसके सेकेंड डे ही प्रक्रिया शुरू हो गई, और आपसे 2 से 3 महीने भी इस चीज़ का ग्रास रूट पे पता लगेगा कि राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया है वो आम आदमी को छूकर के प्रैक्टिकल जिसके काम आए, ये हवाई बजट नहीं है जो भाजपा की केंद्रीय बजट जिसकी कोई पता नहीं चले, मोदी जी कहते कुछ है फलां साहब नंबर 1 और 2 का ये पता नहीं, लेकिन कम से कम इंसान को जब वहाँ का शासक हो, शासक वही है जो प्रजा को दिल को छू के अपने प्रजा को साथ रखे, वही सच्चा शासक कहलाता है, वो सच्चा शासक राजस्थान का गांधी है जो सबको साथ लेके समाज मीन्स 36 हुकुम धर्म नहीं इंसानियत को लेके साथ चलने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, भाजपा सिर्फ पैसे वालों के लोगों की हवा हवाई करती है, या सिर्फ अमीर गरीब हर मजहब का व्यक्ति कांग्रेस में हमेशा खुशहाल नजर आता है। मान के 36 हुकुमों को खूब दिया, वहाँ बात उर्दू की हो चाहे संस्कृत की हो चाहे किसी भी भाषाई की हो, लेकिन आज का समय मॉडर्नाइजेशन जो उसका करने का रीज़न यही है कि वहाँ हर दीन के साथ दुनियाई तालीम जरूरी है, जिसमें इंग्लिश मीडियम की बात की जाए, जिसमें साइंस की भी बात की जाए, उसमें मैथ्स की भी की जाए, मॉडर्न अगर बनते हो स्कूल के बराबर मदरसे चलेंगे तो दूसरे सामाजिक में कंपटीशन में उसका फायदा मिलेगा।